नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रविंद्र कुमार ब्लॉग में। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे ये पिक्चर से जो भी मंदिर काम दिख रहे हैं और हम यहीं से शुभारम्भ कर रहे हैं ब्लॉग का। ये मेरा पहला ब्लॉग है, जो भी त्रुटियाँ होंगी उन्हें नज़रअंदाज कर दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, फिर सारा प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों ये है कोटद्वार का पौराणिक सिद्ध पीठ श्री सिद्ध गली मंदिर, और मैं आज की ब्लॉग की शुरुआत यहीं से कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे हुआ करता था पुराना जो गेट था, बहुत सुंदर गेट था, वो अतिक्रमण के चलते तोड़ दिया गया है। तो अभी हो सकता है मैं देखूँगा, मेरे पास अगर पुरानी फुटेज कहीं पड़ी हो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा उसको। काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है, लोगों की काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। संडे और मंगलवार को सर यहाँ पे भीड़ हो जाती है क्योंकि उस दिन भंडारा हो। वैसे भंडारा तो सातों दिन होता है, लेकिन मंगल और इतवार को ज़्यादा लोग प्राथमिकता देते हैं। मंगल और इतवार का जो भंडारा है यहाँ पे आप करवाना चाहो तो अभी फ़िलहाल तो 2030 तक पूरे बुक हैं। इधर भी पहले दुकानें हुआ करती थी पक्की, वो सारी तोड़ दी गई है अतिक्रमण के कारण, सारी दुकानें हटा दी गई। अब फिलहाल ये टेम्परेरी ऐसी दुकानें डाल रखी छप्पर में, पहले पक्की दुकानें हुआ करती थी यहाँ पर, ज़्यादा गेट तोड़ दिया गया है। इधर पार्किंग हो गई है, यहाँ पे भी दुकानें हुआ करती थी, वो पिछले साल अतिक्रमण के चलते तोड़ दी गई है सारी दुकानें। ये है सिद्धवली धाम की धर्मशाला, इसमें 500 से 5000 तक के रूम आपको मिल जाएंगे, एसी नॉन एसी, डोरमेट्री सभी तरह के रूम मिल जाएंगे आपको। कोई भी सज्जन अगर कोटद्वार से बाहर से आएगा तो उनके लिए यहाँ पे उचित विश्राम की व्यवस्था भी है। शिवालय परिसर में काफ़ी मंदिर बने हुए हैं, यहाँ पे शिवालय है, शिवालय है, बहुत पुराना मंदिर है। तो आप ये देख सकते हैं ये ठीक सामने जो है ये पुराना गेट है, ये 2 साल पहले की मेरे पे फुटेज पड़ी हुई है। तो ये है पुराना गेट, ऐसे था ये, अब ये हटा दिया गया है अतिक्रमण के चलते, इसको हटा दिया गया है। यहाँ से ऊपर के लिए सीढ़ियाँ, पहले यहाँ पे गेट हुआ करता था, वो टूट गया है अतिक्रमण के चलते। ये एंट्री है इधर से, और इधर से उस साइड से आके इधर को एग्जिट का गेट है। यहाँ पे नारियल तोड़े जाते हैं, नारियल तोड़ते हैं यहाँ पे ना, प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है नारियल, वो यहाँ पे तोड़ा जाता है फिर ऊपर ले जाया जाता है। श्री सिद्धवली जी का मंदिर, और यहाँ से कोटद्वार का दृश्य भी बहुत अच्छा दिखाई देता है।
बहुत तेज बारिश आ चुकी है, ये देखे। और सुहाना सा मौसम। कमल के फूल खिले हुए हैं यहाँ पे। बबूत जो है यहाँ की, बड़ी धाम की बबूत जो है, ये यहाँ का एक साध भी माना जाता है। इसे वो घर भी ले जाते हैं कागज को, बच्चों को नेगेटिव एनर्जी सुरक्षा करती है। इस वाले ये है सन्नी मंदिर, सिद्धवली में, सिद्धवली धाम में सन्नी मंदिर। ये आप देख सकते हैं भंडारे की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पे भंडारा होता है हर मंगलवार और संडे को, संडे और ट्यूसडे दो दिन।